strangest thing. It's shorter than you think. एक्सेसरीज। सो ऑलराइट गाइस, जैसे ना लड़कियों के लिए मेकअप काम करता है, सेम वैसे हम लड़कों के लिए एक्सेसरीज काम करती हैं। अब जैसे लड़कियां मेकअप यूज करने के बाद कैसे हूर की परी बन जाती है, और हम लड़के एक्सेसरीज करने के बाद कैसे अपने बापू के नवाब बन जाते हैं, विच मीन्स हम अपने ओवरऑल लुक्स और पर्सनैलिटी को फ्रॉम बॉटम टू टॉप ले जाते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस कर लेते हैं। एंड एक्सेसरीज ना आपके आउटफिट को एलिवेट करता है और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। अब मान लो आपने कितना ही अच्छा आउटफिट पहना होगा, कितना ही रिच और आपने महंगा आउटफिट पहना होगा, लेकिन अगर आपने उसके साथ ना एक्सरसाइज नहीं किया होगा प्रॉपर तरीके से, तो आपको अंदर से खुद ही लगेगा कि भाई सब कुछ तो है फिर भी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सी एक्सेसरीज हैं जो हर एक लड़कों के पास होनी चाहिए, हर एक मेंस के पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपका आउटफिट, आपका फैशन और आपका वार्डरोब अभी अधूरा है, तो वो कौन से ऐसे एक्सेसरीज हैं, आइए बात करते हैं। तो हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अविष्कार सिंह परिहार, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो करें फिर नए साल की शुरुआत। चलो सबसे पहले नंबर की एक्सेसरी आती है हमारी इस मस्ट हैव एक्सेसरीज की लिस्ट में, तो वो आती है हमारी वॉच। क्योंकि एक अच्छी वॉच ना आपके ओवरऑल लुक को ऊपर ले जाने वाली है, लेकिन अगर आप इनमें से कुछ गलतियां करते हैं वॉच खरीदते समय, तो जो आपकी लुक ऊपर जाने वाले थे वो नीचे भी आ सकती है। तो मैं वॉच से रिलेटेड कुछ दो की पॉइंट्स बता रहा हूं, जो आपको हमेशा रिमाइंडर रखना है। अब इस दुनिया का एक कड़वा सा जान लो कि भाई आपको वॉच में तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, मतलब आपको एक महंगी वॉच खरीदनी ही पड़ेगी अगर आपको स्टाइलिश देखना है। और महंगी वॉच इसलिए भी सही रहती है, अच्छी रहती है, क्योंकि यह आपके सस्ते से सस्ते आउटफिट को बहुत ज़्यादा महंगा दिखाता है, और अगर आपने कोई सस्ती टिकाऊ वॉच ले ली तो आपके महंगे से महंगे आउटफिट को बहुत ज़्यादा चीपर दिखा देगा, जो मुझे और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा भाई। तो दूसरा आज मैं बताने वाला हूँ आपके लिए वॉचेस की, कौन सी वॉचेस किस ओकेजन में पहननी चाहिए। सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ फॉर्मल के बारे में। तो भाई अगर आपको कोई फॉर्मल इवेंट है, आपको फॉर्मल के साथ वॉचेस पेयर करनी, तो सबसे बेस्ट रहेगी ब्लैक और ब्राउन लेदर टाइप की वॉचेस, जिसका डायल हमेशा प्लेन ब्लैक या प्लेन वाइट रहेगा। वहीं अगर आपको थोड़ी सी कैजुअल आउटलुक में चाहिए, थोड़ा सा आप कैजुअल पार्टीज में जा रहे हैं, तो आप सिंपली सेमी स्पोर्टी लुक वॉचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आप किसी भी तरीके से पेयर अप कीजिए, काफ़ी कूल लगती है। तो ये दो वॉचेस थी जो आपके पास जरूर से जरूर होनी चाहिए, आप इनको ओकेशन के हिसाब से आसानी से पेयर करके जा सकते हैं। जो दूसरे नंबर पर एक्सेसरी आती है हमारी इस लिस्ट में, उसे हम बोलेंगे बेल्ट। भाई बेल्ट ना हर एक मैन के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल एक्सेसरी मानी जाती है, साबित होती है। क्यों, आपको मैं किस्सा बताता हूँ। जब मेरी ना बचपन में आदत हुआ करती थी कि जब भी मैं अपने शर्ट को टकआउट करके घूमता था ना, तो मैं बेसिकली ना बेल्ट नहीं लगाता था, क्योंकि मुझे पता है कि भाई बेल्ट वो दिखने वाली नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या होता था, हर वो मेरी जो जीन्स है पर्टिकुलर, वो ना 5-5 मिनट में ना मेरी तस्वीर से नीचे सरकती रहती थी, जिससे मुझे हर 5 मिनट में ना एडजस्ट ही करना पड़ता था भाई। तो वो बहुत बद सिचुएशन हो जाती थी, बहुत बेकार प्रभाव पड़ता था मेरी पर्सनैलिटी का क्राउड में। तो भाई वो समय मैंने कैसे गुजारा है भाई, मैं जानता हूँ। तो इसके लिए आपके पास ना डिसेंट सी बेल्ट होनी चाहिए, मतलब ब्लैक लेदर या ब्राउन लेदर की आपके पास बेल्ट होनी चाहिए, बिना कुछ डिजाइन, बिना किसी पैटर्न्स के, कुछ इस तरह की। सो अगली एक्सेसरी आती है इस लिस्ट में, वो है हमारे प्यारे सनग्लासेस। क्योंकि एक अच्छे सनग्लासेस होना भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी लड़के के पास, क्योंकि सनग्लासेस आपको स्टाइलिश भी दिखाता है और आपकी आंखों को यूवी रे से प्रोटेक्ट भी करता है एट द सेम टाइम। और सनग्लासेस ना आपके ओवरऑल आउटफिट में और आपके ओवरऑल लुक में एक क्लास एड करता है, एलिगेंस। लेकिन अगर आपने सनग्लासेस खरीदते समय कुछ मिस्टेक्स कर दी, तो भाई जो आपके ओवरऑल लुक में जो क्लास एड होने वाला था वो तो बहुत दूर की बात है। अगर आपने ट्रेंड के हिसाब से फंकी ग्लासेस ले लिए, तो आप बिल्कुल छपरे ही लगने वाले हो। तो मैं आपको कुछ 2 की पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपको सनग्लासेस खरीदते समय बिल्कुल ध्यान रखनी है। सबसे पहला क्या कि आपको सनग्लासेस हमेशा अपने फेस टाइप के हिसाब से लेना है। अगर आपका ओवल फेस टाइप है, आपका राउंड फेस टाइप है, आपका स्क्वायर, जैसे भी आपका फेस टाइप है उसके हिसाब से चश्मे आते हैं, आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। और दूसरा क्या कि आपको फर्स्ट कॉपी चश्मे नहीं खरीदने, जिसमें मतलब 100-200 के चश्मे आते हैं जिसमें रेबन का टैग लगा होता है, वो भी क्या बोलते हैं हल्का सा नाखून मारने के बाद वो मिट जाता है, तो भाई वो बहुत बुरा इंप्रेशन छोड़ता है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। तो इसलिए आपको हमेशा, या तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप वेफेयर्स ट्राई कर सकते हैं या एविएटर्स ट्राई कर सकते हैं। चौथी एक्सेसरी आती है ब्रेसलेट। अब आपने एक हाथ में घड़ी तो पहन ली, लेकिन अगर आपका दूसरा हाथ खाली खाली लगेगा तो वो मज़ा नहीं आएगी यार। इसके लिए आपको ब्रेसलेट का यूज़ तो करना ही करना है। आज मैं आपको यहाँ पे 2 टाइप के ब्रेसलेट सजेस्ट करने वाला हूँ, एक आपके फॉर्मल वेयर के लिए रहेगा, दूसरा आपके कैजुअल आउटफिट के लिए रहेगा। तो कौन कैसे 2 ब्रेसलेट्स हैं, आइए बात करते हैं। तो जो पहला ब्रेसलेट है वो इस टाइप का कुछ कड़े की जैसा दिखता है, आप इसे फॉर्मल वेयर के साथ पहनिएगा, आप इसे सेमी फॉर्मल के साथ भी पहन सकते हैं। आप देखो भाई, पहनने को तो आप इसे कैजुअल के साथ भी पहन सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मल के साथ ही सबसे बेस्ट लगता है। वहीं अगर बात की जाए कैजुअल वेयर के लिए, तो आप कैजुअल साइड में तो आप इस टाइप के कुछ रबर बैंड पहन सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्लास एड करता है और वो आपको एक
बैड ऐसा वाला लुक देता है, लेकिन अगर आपको फॉर्मल के साथ पहनना तो आप फॉर्मल के साथ आप इसे नहीं पहन सकते। फॉर्मल के लिए तो आपके लिए वही स्टील वाला ब्रेसलेट बेस्ट रहेगा। पांचवी एक्सेसरीज है रिंग्स। कौन सी रिंग्स लेनी चाहिए ये बताने से पहले आपको बता दूं कौन सी देखनी भी नहीं है। तो अगर आपने कोई फॉर्मल लुक अचीव किया है तो आप उसको क्लास सेट करने के लिए आप एक रिंग को पहन सकते हैं। वहीं अगर आप बात की जाए कैजुअल सेट के बारे में तो कैजुअल में आप दो से तीन रिंग्स को ऐड कर सकते हैं, चाहे सिल्वर हो चाहे ब्लैक हो, फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने डिफरेंस तो देख ही लिया होगा कि भाई रिंग्स तो सेम थी, लेकिन जैसी फॉर्मल की बात है तो हमने एक रिंग को पेयरअप किया उसकी क्लास ना ख़त्म करते हुए। वहीं अगर हमने जैसे कैजुअल आउटफिट को पेयरअप किया तो आप उसमें दो से तीन रिंग्स को आसानी से पेयरअप कर सकते हैं। छठी एक्सेसरीज आती है हमारी लॉकेट या नेक चेन्स आप बोल सकते हो। अब एक बात का ध्यान आपको रखना है कि लॉकेट या चेन्स को आप फॉर्मल के साथ पहनने का सोचना भी मत, ये हमेशा कैजुअल साइड जाती है। आप इसे आसानी से टी शर्ट्स के साथ पेयरअप कर सकते हो, ओवर साइज टी शर्ट जो आजकल ट्रेंड में चल रही हैं हुडीज के साथ पेयर कर सकते हो, या टर्टल नेक के साथ सबसे बेस्ट लगती है। जैसे मैंने ये पहना हुआ है एक टर्टल नेक, उसके नीचे ये सिल्वर कलर की डॉग स्टाइल चेन्स है जिसको बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा बैड एस वाली लुक वो देता है, बैड बॉय लुक देता है। तो आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि लॉकेट खरीदते समय वो ज़्यादा तलक भड़क नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन और सिंपल और एलिगेंट सा लुक होना चाहिए ताकि वो आउटफिट को आपके फ्रॉम बॉटम टू टॉप ले जाएगा। तो सातवीं या लास्ट एक्सेसरीज आप बोल सकते हो जो हर एक लड़की के पास होना चाहिए, वो है हमारे वॉलेट या पर्स जिसे आप बोलते हो कॉमन भाषा में। तो देखो एक एग्जांपल से समझो, आप मतलब अपनी बंदे के साथ मान लो शॉपिंग करने गए हो, ठीक है, बढ़िया सूट बूट टांग के बढ़िया महंगा सा महंगा आउटफिट पहन के गए हो, लेकिन जैसे ही बिल पेमेंट की बारी आती है ना बाबा, तो आपके जेब से निकलते हैं चिल्लर 10 के 20 के सिक्के गिरते हैं, तो आप खुद ही सोचो कि आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या वो इम्प्रेशन रह जाएगा आपकी बंदी के सामने। आपने जो इतनी मेहनत की है, 5 से 6 महीने अपनी बंदी के पीछे पीछे घूमे हो, दिल पे जगह बनाया हो, वो एक झटके में ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल ना हो जाए, ऐसी सिचुएशन कभी ना आए किसी के जीवन में, तो इसके लिए आपको हमेशा एक लेदर वॉलेट पर्स कैरी करके चलना है, चाहे वो ब्लैक लेदर हो चाहे वो ब्राउन लेदर हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेदर का क्लासी सा पर्स होना चाहिए क्योंकि वो आपके आउटलुक को फ्रॉम बॉटम टू टॉप ले जाएगा और आपको और ज़्यादा क्लासी दिखाएगा। तो ये थी कुछ एक्सेसरीज जो हर एक लड़के के पास होना चाहिए, भाई लड़की के पास नहीं सिर्फ लड़कों के पास होना चाहिए। और अगर आप इस फेस को पहली बार देख रहे हो, इस वीडियो पर पहली बार विजिट किए हो, तो मैं आपको बता दूं इस चैनल पे हम बात करते हैं फैशन लाइफस्टाइल और ग्रूमिंग से रिलेटेड, जहाँ पे हम आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम में पेज भी है फैशन और टिप्स, जहाँ पे मैं डेली कंटेंट लाते रहता हूँ फैशन स्टाइलिंग से रिलेटेड। तो अगर आप इन तीनों में से किसी भी टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो फटक से इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप आगे फॉलो कर सकते हैं। जाइए फटक से फॉलो कीजिए।